आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। व्हेन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स इज गिवन टू द वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन, इट रीअरेंज देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। ऑल द नंबर्स आर टू डिजिट नंबर। ये इनपुट दिया गया है, पिंक 4, 25, 72, white, jar, 12 and 96. All the numbers are two digit numbers. Step 3 of an input is 63, bad, 58, never, go home, 46, 28. How many more steps will be required to complete the rearrangement? यहाँ पे एक input output, input machine input का language है, machine input question है, जिसको step by step arrange किया गया है। तो हम सबसे पहले लास्ट स्टेप देखते हैं कि कैसे अरेंज किया गया है। यहाँ पे 96 मतलब जितने भी नंबर हैं उनमें से सबसे बड़ा उठा के सबसे पहले प्लेस पे रखा गया है, और उसके बाद अल्फाबेट को रखा गया है सबसे छोटे अल्फाबेट को। मतलब एक बार नंबर को प्लेस किया गया, नंबर को प्लेस किया गया उसके बाद अल्फा बेट को प्लेस किया गया। नंबर को कैसे प्लेस किया गया, 96, फिर 72, फिर 25, फिर 12। मतलब ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। कैसा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है नंबर्स को। और इस अल्फाबेट को देख लेते हैं, सबसे पहले 4, फिर जार, फिर पिंक, फिर वाइट। इस हिसाब से ये तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, मतलब ascending order में इसको अरेंज किया गया है। तो पहला स्टेप देखते हैं कैसा रखा है। तो यहाँ पे 96 पहले प्लेस पे रख दिया, उसके बाद पिंक 4, 25, 72, वाइट, जार एंड 12 एज इट इज रखते गए हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में 96 फिक्स हो गया पहले प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे अब अल्फाबेट की बारी है। अल्फाबेट में भी सबसे छोटा अल्फाबेट मतलब सबसे पहले आने वाला अल्फाबेट 4 को रख दिया गया। उसके बाद भी पिंक 25, 72, वाइट, जार एंड 12 एज इट इज उठा के रखा गया। ऐसे ही करते करते स्टेप 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमको पूछा कि अब हमको एक मशीन इनपुट दिया हुआ है, ये है मशीन इनपुट, इसको बोला गया है अब रीअरेंज करने के लिए। तो हमको ये थर्ड स्टेप दिया गया है, कौन सा है, थर्ड स्टेप है, लिख लेते हैं स्टेप थर्ड है, 63 बैड, 58 नेवर, गो होम, 46 एंड 28। जब ये थर्ड स्टेप है तो इसका मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू फिक्स होंगी, ये तीनों फिक्स हो गए। उसके बाद अगला स्टेप हम फोर्थ स्टेप देखते हैं, ये तो फिक्स हो गए। उसके बाद हमको अल्फाबेट लेना है, अल्फाबेट कौन सा, बी के आगे का कौन आएगा, जी आएगा कि एच आएगा, जी आएगा। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 63 बैड, 58 गो। अब इसको एज इट इज नीचे लिख लेना है, नेवर, अब बच्चा क्या है, होम, 46 और यहाँ पे 28। अब स्टेप फिफ्थ में अब अरेंज हो गए, चार अरेंज हो गए, उसके बाद अब नंबर की बारी है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, अब फिर नंबर लिख लेते हैं। अब नंबर 58 से छोटा कौन सा आएगा, 46 से 28, 46 पहले आएगा।
ये 46 लिया, उसके बाद इसको एज इट इज फिर से हम लिख देंगे, बचा क्या 28। अब 6 स्टेप होगा, 6 में भी ऐसे ही अब अल्फाबेट हो गया, नंबर हो गया, अब अल्फाबेट की बारी आएगी। ये हो गया नंबर, 46 तक हम ले लिए थे। अब इसके बाद अल्फाबेट आएगा, नेवर और होम, इनमें से होम पहले लिखा जाएगा, इसके बाद नेवर एज इट इज लिख लेंगे और 28 एज इट इज लिख लेंगे। अब ये स्टेप 7 आ गया। स्टेप 7 में क्या करना है, यहाँ तक होम तक तो हम देख लिए, उसके बाद नंबर अब लिखेंगे। नंबर आ जाएगा 46 होम, नंबर कौन सा बचा 28 बचा, और उसके बाद नेवर एज इट इज लिख लेंगे। तो अब देखते हैं हम 7th स्टेप में हमारा ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, 7 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड, ये तो हमको पहले से दिया है, और हमको कितने स्टेप चाहिए थे, 1, 2, 3 और ये 4, 4 अभी हमको स्टेप और चाहिए टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।